उलमा देखना है, मुफ्ती देखना है, तो बरेली शरीफ में मुफ्ती आजम हिंद को देख लो, उनकी सीरत को पढ़ लो, उनके जलवों को देख लो, उनके तकबे को देख लो, उनकी परहेजगारी को देख लो। हम तो दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ कहते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकबा छोड़। शान है मेरे मुफ्ती आजम की, वो जिस इलाके में जाते थे गैर मुस्लिम भी चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कौन मुफ्ती आजम जिनकी शान ये है कि स्टेशन पे चंद लोगों को लिखकर स्टेशन पे ट्रेन में बैठने के बाद ताबीज दे दे। लोग हजरत ताबीज तो मांगा ही नहीं किसी ने, कहा एक औरत स्टेशन के बाहर खड़ी है, एक औरत स्टेशन के बाहर खड़ी है, दुपट्टा पीला होगा, दुपट्टा पीला होगा, रो रही होगी, परेशान होगी, चेहरे पे उदासी के आलम होंगे, ये ताबीज उसे जाकर दे देना। आने वाला शक में नहीं था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो जानते थे मुफ्ती आजम ऐसे ही नहीं कहते हैं। अल्लाह अकबर, जब बाहर आए हैं एक औरत को खड़े देखा तो पट्टा पीला ही है, रो रही है, कहा मुफ्ती आजम हिंद ने तेरे लिए ताबीज दिया है, रो क्यों रही है? कहा मैं इसलिए रो रही थी, मुझे ताबीज चाहिए था, हजरत से मेरी मुलाकात न हुई, मेरे कोई औलाद नहीं है, इसी बुनियाद पर शोहर मुझे तलाक देना चाहता है। दुनिया ने माथे की आंखों से देखा, अरे जब बरेली के मुस्तफा रजा के इल्म का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा जान रहमत के इल्म का आलम क्या होगा? इसीलिए बरेली के ताजदार पुकार के कहते हैं, और कोई गैब का तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो।